अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, दिस इज मी वारिस शेख। आई होप आप खैरियत से होंगे। भाई कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आप हमें देखते हैं बर्ड्स, एनिमल्स और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर एडवेंचर ट्रिप वगैरह आते हैं। तो आज हमने सोचा कि आपको एक ऐसी लिजर्ड से मिलवाया जाए जो कि एक वर्ल्ड ब्यूटीफुल लिजर्ड और एक बहुत ही खूबसूरत रेप्टाइल स्पीशीज में काउंट होती है, और उसकी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या ये हकीकत है, क्या ये झूठ है, और क्या डाइट है, क्या ये नॉन वेनमस है, वेनमस है, क्या कहाँ पाई जाती है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह आपके सामने आती रहे। आपको मैंने बता रहा था लिजर्ड के बारे में, तो आपको मैं उससे मिलवाता हूँ। तो वो है हमारी लेपर्ड जेको। उसको लेपर्ड जेको भी कहते हैं, लेपर्ड गेको भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट खूबसूरत और एक रेयर लिजर्ट है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में बहुत सारे खजाने दिए हैं, इसी तरीके से ये लिजर्ट भी हमारे एक शहर में या हमारे इस गुंजान आबादी में पाई जाती है। तो मैं सोचूंगा कि उसको मैं आपको हाथ में उठा के दिखाऊं और उसके बारे में आपको बताऊँ। तो कोशिश करते हैं कि ये शर्मीली चिपकली हमारे हाथ में आ जाए। तो गाइस, लेपर्ड जेको इसका नाम है, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक शर्मीली लिजर्ड होती है। आप जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास क्या है। तो ये एक मेरे पास रेस्क्यू केस आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थोड़ी डैमेज हुई हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम रिलीज़ करेंगे। तो आज हम सोचा कि अपने व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर को भी बताया जाए कि भाई इस तरीके के स्पीशीज़ वगैरह दिखे तो उसको मारें ना, क्योंकि इनकी क्वांटिटी हमारे पाकिस्तान में बहुत सी कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों को दिखती है तो लोग इसको मार देते हैं। आज हम इसकी बात करते हैं। तो लेपर्ड जेको इसका नाम है, और इसको जो है कोबरा लिजर्ड भी कहा जाता है और पेरेंटेड लिजर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आप देख रहे हैं स्पॉटेड लिजर्ड भी कहा जाता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसके ऊपर स्पॉट्स वगैरह। तो ये एक हमारे ठट्ठा और कैथन नेचुरल पार्क बलूचिस्तान वगैरह के अंदर ये पाई जाती है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके की है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये एक शर्मीली लिजर्ड कहलाती है। अच्छा, इसकी एक खासियत मैं आपको बताऊं कि इसके 100 से ज़्यादा दांत होते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं 100 से ज़्यादा इसके पास दांत मौजूद हैं, लेकिन ये जो है वो नॉन वेनमस है, इसके अंदर जहर नहीं होता। लेकिन जब ये बाइट करती है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसकी डाइट की बात करते हैं, तो डाइट में ये मील वर्म, हॉर्न वर्म, सुपर वर्म, कॉकरोचेस, और यहाँ तक कि ये जो है कैटरपिलर और भी बहुत सारी जो है इंसेक्ट वगैरह जो हमारे पास होते हैं वो ये खाती है। और इसको जो है डेली फ्रेश वाटर बहुत पसंद है। और ये एक तो अगर मैंने इस बॉक्स में रखा हुआ है, अगर मैं इसके आगे शोर वगैरह करूँगा तो ये फौरन अपना वेट लूज कर लेती है, वेट अपना गिरा देती है, साइज छोटा कर लेती है। तो अल्लाह पाक ने इसको ऐसी जो है वो खासियत दी है जो हमारे ये पाकिस्तान के अंदर ही पाई जाती है, और इसके साथ साथ ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया में भी पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो इसकी सेलिंग परचेसिंग है, तो ये इलीगल है। तो बहुत बाज़ औकात लोग इसको करोड़ों में डिमांड करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, क्योंकि आपने अक्सर वीडियो देखी होगी कि इस चीज़ की, इस लिजर्ड की लोग करोड़ों में डिमांड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत है, और ये हमारे एक एनवायरनमेंट में इनका बहुत ज़बरदस्त रोल होता है, क्योंकि ये जो मॉम वगैरह और ये कॉकरोचेस वगैरह होते हैं ये खाते हैं, तो इससे ये हमारा इको रोल चलता रहता है। अब बात करते हैं इसकी सेलिंग परचेसिंग की। तो सेलिंग परचेसिंग जब इसकी हमारे पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, लेकिन इस कहा जाता है मेरे स्टडी के मुताबिक, तो इससे जो है हमारे आउट ऑफ वर्ल्ड इससे कैंसर की दवाई वगैरह बनाई जाती है, और भी इन्फेक्शन वगैरह की दवाई बनाई जाती है इस लिजर्ड से। और इसकी जो यूरिन होती है, यानी कि इसकी जो पेशाब होता है, तो उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। जी बिल्कुल, इससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है, और बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये आप देख रहे हैं बहुत ही मासूम और खूबसूरत दिख रही है, लेकिन इसके 100 से ज़्यादा दांत मौजूद हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत, देख रहे हैं कितनी शर्मीली लिजर्ड है। तो सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, और इस तरीके के अगर आपके पास या आपके किसी फ्रेंड के पास इस तरीके से केस आए तो आप हमें ज़रूर बताएं, और हम लोग आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं, ताकि आप लोगों को घर बैठे इन वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पता चले, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि अल्लाह पाक ने कैसी कैसी नेमतें हमें दी हैं, जो कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में लेपर्ड जेको। लेपर्ड जेको मोस्ट ब्यूटीफुल लिजर्ड इन पाकिस्तान।
इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से। अब इसकी बात करते हैं दांत की, तो और इसका लाइफ स्पेन जो है मेरे ख्याल से 15 से 18 साल होता है, और दांत जो है ये अपने यानी कि 3 से 4 महीने के दरमियान जो है वो रिप्लेसिंग कर लेते हैं, और यानी कि तोड़ के इनके वापसी दांत आ जाते हैं। और ये खाती जो है वो इंसेक्ट वगैरह कीड़े मकोड़े जो खाती है, और उसको फ्रेश वाटर वगैरह पसंद होता है। बाकी ये है कि एक बहुत ही खूबसूरत लिजर्ड होती है, लेकिन इन लिजर्ड मैंने आपको बताया कि लोग इसकी करोड़ों में डिमांड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक ये एक लिजर्ड है बहुत खूबसूरत, जिसको कई नामों से जाना जाता है। लेपर्ड गेको इसका ओरिजिनल नाम है, लेपर्ड गेको भी कहते हैं इसे, और इसे कोबरा लिजर्ड भी कहा जाता है, दोनों वाले छिपकली भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी टेल जो है वो बहुत मोटी होती है। और इसका साइज मिनिमम जो है वो मैक्सिमम 11 इंच टू 12 इंच, बहुत रेयर काउंट होता है पूरे वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ये एक रेप्टाइल स्पीशीज में जो आपने घर में देखी होगी कि फौरन भाग जाती है, लेकिन ये एक बहुत ही शाया रेप्टाइल है, आप देख सकते हैं। और इसकी बात करते हैं तो ये गर्मियों में जो है वो निकलती है, और सर्दियों में जमीन के अंदर रहना या गारों वगैरह के अंदर रहना इसको बहुत पसंद होता है। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही एक एंटिक चीज में काउंट होता है, लेकिन ये हमारे पास केस था, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द रिलीज करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह देखने के लिए, व्लॉगिंग वगैरह देखने के लिए। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।